टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया भर से किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें तो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है जिसे ट्रांसपोर्ट करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है, जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट। एक गलती और सब खत्म। गाइज, आज की इस वीडियो में हम दी बिगेस्ट, हेवीएस्ट एंड दी मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। नंबर फर्स्ट, दी बेगर 288। इस स्क्रीन पर आप जो मॉन्स्टर मशीन देख रहे हो ना, यह मशीन खुदाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जिसका औसत वजन 13,500 टन है। इस विशालकाय मशीन की लंबाई 220 मीटर और ऊंचाई 96 मीटर है। इस मशीन में 18 बाल्टियां लगी हुई है, जो कि मिट्टी को खदान से खोदकर बाहर निकालती है। इस एक मशीन को चलाने के लिए 5 ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी इसे हैंडल करने में काफ़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2001 में माइनिंग का काम कंप्लीट हो जाने के बाद इसे अगली माइनिंग के लिए 183 किलोमीटर दूर जाना था, जो कि ज़्यादा लंबी दूरी नहीं थी। बट इस मशीन के नज़रिए से देखे तो यह बड़ा ही मुश्किल काम था। 33 फीट पर मिनट की स्पीड से चलती इस मशीन को 183 किलोमीटर के इस सफ़र को तय करने में 33 हफ्तों का वक्त लग गया था। और तो और, यह जिस रास्ते से गुजरने वाली थी उसका रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ था, इसलिए उस रास्ते पर मिट्टी और घास डालकर उसे एकदम समतल किया गया, ताकि इस मशीन को चलने में आसानी हो। इस मशीन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में 15 मिलियन ड्यूशमार्क का खर्चा आया था, और 70 लोगों की टीम ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। नंबर 2, मिरर ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में लगने वाली मिरर लेंस को यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में बनाया गया था। इसके बनने के बाद इन्हें मोंटे क्रिस्टो रेंज नाम की जगह पर ट्रांसपोर्ट करना था। 216 टन वजनी इन दो लेंस को 193 किलोमीटर दूर जाना था, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, पुलिस और हेवी लोड स्पेशलिस्ट की टीम को बुलाया गया था। गाइस, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग करने में ही 5 महीनों का वक्त लगा था, जिसके बाद इन दोनों लेंसेस को बड़ी सावधानी पूर्वक 48 टायरों वाले ट्रक पर लोड कर दिया गया था। इस हाइड्रोलिक ट्रक ने 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए इन लेंसेस को 2 दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। नंबर 3, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक सऊदी कंपनी को 1048 टन वजनी न्यूक्लियर रिएक्टर को 643 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करना था। यह सफ़र रेगिस्तान से शुरू होते हुए पहाड़ियों व छोटे सकरे रास्तों से गुजरने वाला था। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेलर्स का इस्तेमाल किया गया था। 1048 टन वजनी इस न्यूक्लियर रिएक्टर के आगे 6 ट्रक और पीछे 4 ट्रक लगाए गए थे, जिन्हें मैकेनिकली एक दूसरे से जोड़ा गया था। इस हेवी लोड ट्रांसपोर्ट मशीनरी को मेमोइड नाम की एक कंपनी ने डेवलप किया था, जिसे ट्रेलर हेल्पर भी कहा जाता है, जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े और भारी से भारी चीज़ों को बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 4, मूव ऑन G2 मैग्नेट। गाइज, अभी जो आपको स्क्रीन पर बड़ी सी गोल रिंग दिखाई दे रही है, दरअसल वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। साल 2013 में अमेरिका की एक कंपनी फेर्मी लैब में होने जा रहे एक्सपेरिमेंट के लिए इसे ट्रांसपोर्ट किया जाना था। इस विशाल मैग्नेट का डायमीटर 50 फीट और वजन 50,000 किलोग्राम था। इस मैग्नेट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि समुद्र में भी सफ़र तय करना पड़ा था। इतने बड़े मैग्नेट को सुरक्षित लैब तक पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी का भी भारी इंतजाम किया गया था। इस लंबे सफ़र को तय करने में लगभग 35 दिनों का समय लगा था। इस ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खास तरह के ट्रक व अन्य वाहन भी डिजाइन किए गए थे। इसे अपनी मंजिल तक पहुँचाने में $25 मिलियन खर्च किए गए थे।
नंबर 5 न्यूक्लियर वेस्ट, जो कि बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। इसे ट्रांसपोर्ट करने का काम बड़ा ही जोखिम भरा होता है, जिसमें कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के लिए एक हेवी शील्डेड कंटेनर का यूज किया जाता है, जो कि हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनाए जाते हैं, और इसकी सिक्योरिटी के लिए भी काफी बड़े इंतजाम किए जाते हैं। इसे कहीं भी ट्रांसपोर्ट करने से पहले एनवायरमेंटल कंडीशन को अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि जिस रास्ते से उसे ले जाया जा रहा है वहां पर भूकंप, बाढ़ या तूफान आने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि इस सब्सटेंस के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। छोटी सी भी लापरवाही एक बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। नंबर 6 कोप यॉर्क मेटेरॉइड। आज से करीब 10,000 साल पहले 58,000 किलोग्राम का एक उल्का पिंड धरती पर आकर गिरा था। यह मेटेरॉइड ग्रीनलैंड में पाया गया था, जो कि धरती से टकराने के बाद कई टुकड़ों में टूट गया था, जिनमें से सबसे बड़ा और भारी टुकड़ा साल 1894 में डिस्कवर किया गया था। फिर इस मेटेरॉइड को साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स की टीम ने न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में शिफ्ट करने का फैसला लिया था। 37,000 किलो वजनी इस विशाल मेटेरॉइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कोई आसान काम नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि इसे समुद्र तट तक कैसे पहुँचाया जाए। इसके लिए फिर रेल रोड का इस्तेमाल किया गया था, जो कि काफ़ी मशक्क़त वाला काम था। फिर इसे एक शिप में लोड करके न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में 3 सालों का वक्त लग गया था, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है। नंबर 7 माइनिंग ट्रक्स ऑपरेशन। 797B नाम के इस मॉन्स्टर डंप ट्रक को कनाडा की एक माइनिंग ऑपरेशन साइट पर भेजना था, जो कि महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ही था, मगर 400 टन वजनी इस ट्रक को ले जाना इतना आसान नहीं था। 9.75 मीटर चौड़े और 7.70 मीटर लंबे इस ट्रक को SPMT ट्रेलर पर लाद कर ले जाया गया था। शायद आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इसे चलाकर भी तो ले जाया जा सकता था, तो इसका जवाब है कि यदि इसे रोड पर चलाकर ले जाते तो यह जहाँ जहाँ से गुजरता वहाँ की सड़क धस जाती और उसे काफ़ी नुकसान भी होता, इसलिए इसे SPMT ट्रेलर पर लाद कर ले जाया गया था। SPMT ट्रेलर ना केवल हेवी लोड को उठाती है, बल्कि उसके वेट को पूरे एक्सल पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है, ताकि रोड पर उसके हेवी वेट का जरा भी इम्पैक्ट ना पड़े। इसे ले जाते समय सुरक्षा के नज़रिए से पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया था। तो गाइज, यह थे कुछ मोस्ट इपिक ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस। होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।